जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन करें हमारे सभी अतिथियों का। इस जावर की पावन धरा स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा, इस प्रकार हमारा क्षेत्र पूरी तरह एक अंधियारे में था। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी ने, हम कह सकते हैं मात्र एक हायर सेकेंडरी होती थी सिहाड़ा, आज प्रत्येक 3 किलोमीटर पर हमारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है। हमारे क्षेत्र में पिछले 15 सालों में अगर हम कहें कि 10 और इसी प्रकार कहें तो आए दिन जो पाकिस्तान हमारी बॉर्डर पर हरकत, चाहे बिजली का इंतजाम हो, एक दो दिन के गड़बड़ होती है बिजली, तो कह रहे हो बिजली गड़बड़, लेकिन कोयला महंगा हो रहा है, लगातार कीमतें बढ़ रही है। आज मैं जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जो आपको बिजली दे रहे हैं किसान भाइयों, जो खेत की बिजली, कुओं की बिजली और घर की बिजली मिला के 21,000 करोड़ रुपया मैं मध्य प्रदेश सरकार के खजाने से दे रहा हूं, तब ये सस्ती बिजली दे पाते हैं। क्योंकि कोयला खरीदना है, पानी, तनख्वाह बांटना है, बाकी व्यवस्थाएं करनी है, इसलिए हमने सूरत से भी बिजली बनाने का फैसला किया है। और एक ऑफर और दे रहा हूं, आज एक नई योजना बनाई मैंने, किसान भी बिजली बनाना चाहे, आप में से भी कोई बना सकता है, तो अपने खेत में सोलर पैनल बिछाओ, ऊपर सोलर पैनल, नीचे फसल भी लगाओ, बिजली पैदा करो, वो पूरी बिजली मैं खरीदूंगा ग्रिड में, सरकारी ग्रिड में आपसे। आप लोन लेकर भी बना दो, एग्रीमेंट कर लेगी सरकार कि इतने मेगावाट की, इतने यूनिट की, इतने पैसा दूंगा, प्रॉफिट में दूंगा, घाटे में नहीं, वो मंजूर तो बोलो। हाँ, अरे किसान भी क्यों ना बना दीजिए। अब देखो ये बिजली बनानी पड़ेगी, नहीं कोयला खत्म हो गया तो क्या करेंगे दादा, कोयले की कमी होती जा रही है। लेकिन हम सूरज से भी बिजली बनाएंगे। हमने फिर से आवाज प्लस का सर्वे करवाया, वो सर्वे हो गया, कई लोगों के नाम जुड़ गए, और रह गए हो तो जुड़वा देना भैया, बाद में मत कहना मामा। जुड़वाने के बाद कोई भी मकान मिलता है, अरे उसके उसको जेल भिजवा दूंगा, चिंता मत करो। ऐसा था कि 19 जो 15-16 महीना में बिगड़ गए होंगे, बीच में कोरोना में लग गया था, मामा कीड़ा पाड़ दूंगा, चिंता काय को कर रहे हो, जेल जाएंगे, कोई बचेगा थोड़ी। सुंदर काका, सुंदर व्यवस्था होगी, अब कोरोना हट गया है, मामा निकल पड़ा मैदान में डंडा लेके, चिंता मत करो। अब जब कांग्रेस आती तो काम बंद, और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो काम चालू। ये जावर चावड़ा में भी काम कुछ कर, मुझे बताया धीमा चल रहा है, अब लगातार समीक्षा करके तेजी से पूरा किया जाएगा कि 2 साल में। अरे जोर से बताओ, करेगी क्या? जब उनकी सरकार थी तब कुछ नहीं किया, तो अब तो क्या है, ना दिल्ली में और ना भोपाल में, वहां राहुल गांधी बैठे हैं, कमलनाथ जी बैठे हैं, सब कुछ कमलनाथ, मुख्यमंत्री कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, स्टार प्रचारक कमलनाथ, युवाओं के नेता नकुल नाथ, बाकी कांग्रेसी हो गए अनाथ। अब अरुण यादव का क्या काम है पता नहीं भैया, काय को तूप रहे, ये कांग्रेस क्या हाल है, इस कांग्रेस को वोट देने का कोई फायदा नहीं है। देखिए, ऐसी संकुचित मानसिकता कांग्रेस की हो गई कि आज मैंने किसानों के खाते में पैसा डाला, वो चुनाव आयोग के पास पहुंच गए, पैसा क्यों डाल रहे हैं, पैसा डालने से रोको, किसानों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कमलनाथ, मेरा यही जवाब है, वो रोकने की कहते हैं, मैं पैसे डालता हूँ।